गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड बैंक है क्या और इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये किस तरीके से फंक्शंस करती है, किस तरीके से कैपिटल को अपने कैपिटल रिसोर्सेज को एप्लीकेबल करती है, यानी कि किस तरीके से कैपिटल को जुटाती है। तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक का के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के स्टार्ट करते हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जैसे यानी कि जितनी भी हमारी गैट एग्रीमेंट हुआ, हमारा आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, यानी वर्ल्ड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीजें हमारी कब स्टार्ट हुई थी? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आवाज म्यूट कर दीजिए आप लोग अपनी। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने जो हमारी इकोनॉमिक डिप्रेशन था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप जो कम हो गया था, वीक हो गया था, एक नेशंस में डिस्प्यूट्स हो गए थे, उनको सेटल करने के लिए हमने जो है ये सारी चीजें जो आपका हमने आईएमएफ पढ़ा, गैट पढ़ा, ये सारी चीजें उसके लिए सोचा। और उसके ऐसे ही उसी में ही हमारी एक वर्ल्ड बैंक भी आ जाती है। वर्ल्ड बैंक को हम सिस्टर ट्विन सिस्टर्स भी कहते हैं ब्रेटन वुड्स का। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक का क्या है। द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक वॉज डन ब्रेटन वुड्स कमेटी दैट वॉज हेल्ड इन 1944। ब्रेटन वुड्स कमेटी इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ इसमें बहुत सारे जो एग्रीमेंट या जिसके बारे में सोचा गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, इसी में ही बातचीत हुई थी। इसी में आईटीओ के बारे में भी बातचीत हुई, इसी में ही आपका आईएमएफ का भी फॉर्मेशन हुई, इसी में ही वर्ल्ड बैंक की भी फॉर्मेशन हुई। तो इसीलिए यहाँ पर इसको ब्रिटेन वुड्स कमेटी को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जानने की जरूरत होती है। तो यहाँ वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन कब हुई थी, कब बात हुई इसकी? द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक वॉज डन ब्रिटेन वुड्स कमेटी दैट वॉज हेल्ड इन 1944 में ब्रिटेन वुड्स कमेटी जो रखी गई थी उसमें इसकी बातचीत हुई वर्ल्ड बैंक की। एंड वर्ल्ड बैंक का जो इसमें जो मेन काम था वो ओरिजिनली क्रिएटेड किससे क्रिएटेड हुई, 1944 में क्रिएटेड हुई। और इसका जो ओरिजिनल नाम था, जो सब शुरू में वर्ल्ड बैंक, तो इसका नाम बाद में चेंज हुआ, लेकिन शुरू में इसका नाम क्या था? इंटरनेशनल बैंक ऑफ बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो पुराना नाम था, जिसको जिस नाम से जाना जाता था, जो 1944 में जिसमें जिस नाम से एस्टैब्लिश हुई थी, वो क्या था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी आईबीआरडी। ये बहुत अच्छी तरीके से आप इसका नाम सुना होगा आपने, आईबीआरडी इन 1944 इसमें एडमिट किया गया था वर्ल्ड बैंक, इसमें इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इसी के साथ ही आईएमएफ को भी 1944 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसीलिए आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों को ट्विन सिस्टर्स भी ब्रिटेन वुड्स की माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द ट्विन सिस्टर ऑफ द ब्रिटेन वुड्स कमेटी, तो आप ये कह सकते हो वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ ऑप्शंस वन फर्स्ट वन मार्क्स में आ जाते हैं। अर्ली 1946 द इंटरनेशनल बैंक लॉन्च इट्स करियर एज अ मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक। जो शुरू में जब इसने 44 में इसके बारे में बात हुई वर्ल्ड बैंक में, आईबीआरडी एस्टैब्लिश किया गया, तो 90 तब शुरू में इसका क्या काम था कि जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है उसकी तरह वो काम करता था। एंड सिंस देन द आईबीआरडी केम टू नोन एज द वर्ल्ड बैंक। और फिर उसके बाद 1946 में इसको नाम वर्ल्ड बैंक के नाम से ये जाना जाने लग गया। लेकिन एक चीज बता दूं, वर्ल्ड बैंक जैसा कि नेम से शो होता है कि ये बैंक है, आईएमएफ जैसे होता है कि आईएमएफ मॉनेटरी फंड है, मनी प्रोवाइड करने वाला फंड है, ऐसे ही वर्ल्ड बैंक जैसा नाम से शो होता है कि वर्ल्ड बैंक है, बट इट इज नॉट अ बैंक, बट इट इज अ ग्रुप ऑफ टू बैंक। वो टू ग्रुप ऑफ टू बैंक की तरह काम करती है। वो टू ग्रुप कौन से थे जो इसको चलाते थे, जो जोड़े गए वर्ल्ड बैंक में? आईबीआरडी एंड आईडीए, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी जो मैंने ऊपर नाम पढ़ा, एंड आईडीए है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों के हिस्से ये इन दोनों का ग्रुप जो है, इसी को ही हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। तो आप इसको अकेले वर्ल्ड बैंक भी बोल सकते हैं, या आप अगर आपसे पूछा जाता है कि ये क्या वर्ल्ड बैंक एक बैंक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ बैंक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ टू बैंक, ये टू ग्रुप्स है टू बैंक्स का। एंड नाउ अब इसमें क्या है, पांच बैंक जुड़ गए हैं। पांच बैंक में टू बैंक्स तो वो पहले वाले जो मैनेजिंग ये मेन हेड है जो ग्रुप ऑफ बैंक है, लेकिन जो आईएफसी एंड एमआईसी है और
आईसीएसआईडी जो है, ये जो है, ये जो तीन बैंक्स हैं, ये एक मैनेजिंग मेंबर्स हैं, एक एक मैनेजिंग मेंबर्स की तरह काम करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, जैसे एमआईजी है, मल्टीलेटर इन्वेस्टमेंट गारंटीज एजेंसी कहलाती है, MICA जो है आपका, IFC आपको पता ही है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ICSID का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जो कि ये इसका, ये जो तीनों चीजें हैं ये अपने अपने जो जिस चीज में है, जैसे फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से जो रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट का देखता है, गारंटी से फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, तो ये अपने ये जो है वर्ल्ड बैंक की जितनी भी लोन से रिलेटेड जो कार्य है और जिस एरिया से रिलेटेड है उनको मैनेज करता है। तो यहाँ का, यहाँ एक तरह से क्या कहा जाएगा कि जो वर्ल्ड बैंक है वो तरह से फाइव बैंक्स, ग्रुप ऑफ फाइव बैंक्स है, IBRD, IDA, IFC, MICA और ICSID, इन चार पांच बैंक्स का ग्रुप है ये। एंड द वर्ल्ड बैंक मोस्ट रिसेंट स्टेट गोल इज टू द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। मेन गोल क्या था, IMF का मेन गोल क्या था, कि क्या था कि आप शॉर्ट टर्म लोन उनको प्रोवाइड करना, और किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पेमेंट को और एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड बैंक का क्या काम था, मेन जो मेन गोल था वो क्या था, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। जो वीक कंट्रीज हैं, जो उनकी इकोनॉमिक जिनकी वीक है उनकी, और उस जिस देश में ज्यादा पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना, उनको ओवरकम करना। इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ अ वर्ल्ड बैंक, इंडिया जो है वर्ल्ड बैंक का फाउंडर मेंबर माना जाता है, क्योंकि ये मैंने आपको IMF के समय भी बताया था कि जो जो नेशन IMF का मेंबरशिप जिसने ले ली होगी वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर हो जाता है। तो इंडिया क्योंकि IMF का भी फाउंडर मेंबर था, तो वर्ल्ड बैंक का भी फाउंडर मेंबर हो गया। तो इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ अ वर्ल्ड बैंक। इसने, इंडिया जब फाउंडर मेंबर था तो वहां पर उसमें उसने एक कंसोर्टियम की स्थापना करी जिसका नाम था इंडिया क्लब कंसोर्टियम की स्थापना करी 1958 में, जिसका काम था, इस इंडिया क्लब कंसोर्टियम का काम क्या था कि टू टेक द लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक से लोन दिलाना, और किस तरीके से, पर्पज से दिलाना, ये सारे काम जो है इंडिया क्लब कंसोर्टियम करता था। 1994 में इंडिया क्लब कंसोर्टियम का नाम चेंज करके भारत विकास मंच कर दिया गया। तो आपने ये देखा कि वर्ल्ड बैंक क्या है, कब इसको एस्टैब्लिश किया गया, इसमें हम किन किन चीजों को जोड़ते हैं। वर्ल्ड बैंक इज नॉट अ बैंक, इट इज अ ग्रुप ऑफ बैंक। सो ये बहुत ध्यान करके चलिएगा इसको। इन नटशेल वी कैन सी कि हम ये देख सकते हैं मोटो क्या था, मेन मोटो क्या था वर्ल्ड बैंक का, वर्किंग ऑफ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। यानी मैंने कहा था कि इसका मेन काम क्या था कि रिड्यूसिंग द पॉवर्टी, पॉवर्टी को रिड्यूस करना। इसका फॉर्मेशन क्या, कब हुई, जुलाई 1944 में। एंड टाइप क्या था, मॉनेटरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से थी, क्योंकि ये इंटर फाइनेंस को प्रोवाइड कराती थी। एंड लीगल स्टेटस TT है, एक तरह से एग्रीमेंट है। एंड हेडक्वार्टर्स क्या है इसके, वॉशिंगटन DC US में हेडक्वार्टर है यहाँ पर। मेंबरशिप इसमें दो, क्योंकि स्टार्टिंग में ग्रुप ऑफ टू वो थे बैंक, मेन बैंक यही है इनके। IBRD में जो मेंबर्स नेशंस हैं वो कौन से, 189 कंट्रीज मेंबर है। एंड IDA में 173 कंट्रीज जो है वो नेशन है, इसके मेंबर नेशन है। नेक्स्ट आपका की पीपल क्या है इसके, वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मैलपास हैं, MD एंड CEO हैं अंशुला कान, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं टैनी गोल्डबर्ग। ये ध्यान रखिए, बहुत चार्ट आपके काम लायक होगा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इसका एक्चुअल नाम क्या है, असलियत में स्टार्टिंग में क्या नाम था, पेरेंट ऑर्गेनाइज वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। फाउंडर कौन थे इसको, फाउंडर बैंक चल रहा है ये, फाउंडर्स आपके जॉन मिनार्ड कीन्स है, हेनरी और डेक्सर हैरी डेक्सर वाइट। यानी कि ये दो लोग जो है इसके फाउंडर मेंबर्स माने जाते हैं, जिन्होंने वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन की थी। अब आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हालांकि हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए कि मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना, लेकिन धीरे धीरे इसके ऑब्जेक्टिव्स जैसे जैसे ये आगे बढ़ती, क्योंकि इसको 74 जो इयर्स हो गए हैं इसको एस्टैब्लिश हुए, ये काफी, तो इसमें 75 इयर्स, तो इसमें आपका
ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप सबसे बड़ा काम क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस नेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने की जरूरत पड़ रही है, लाइक आपका रेलवे के लिए कुछ प्रोजेक्ट, रेलवे का प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्शन है, रोड प्रोजेक्शन है, ये सबके इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए ये लोन प्रोवाइड कराना ही इसका काम था, ऑब्जेक्टिव था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन, यही रिकंस्ट्रक्शन यानी ब्रिज वगैरह इन सबका, रोड का, इन सबका रिकंस्ट्रक्शन करना, और इकोनॉमिक जिसके एसेट रिकंस्ट्रक्शन, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए लोन प्रोवाइड कराना। एंड नेक्स्ट है इंड्यूसिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। मैंने बताया था कि आईएमएफ जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड कराता है, बट आईएमएफ जो है वो, वर्ल्ड बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल जो लोन जो है वो प्रोवाइड कराता है, इसलिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल को इंड्यूस करता है ये। इम्प्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इम्प्रूव करता है थ्रू द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि एक तरह से ग्रोथ इंटरनेशनल ट्रेड के ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इम्प्रूव करने की सोचता है। हालांकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ज्यादातर IMF की तरफ, क्योंकि एक्सचेंज स्टेबिलिटी को वो देख रहा है, लेकिन ये भी अगर जहाँ ग्रोथ की बात आती है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात के ग्रोथ की बात आती है, तो वहां पे भी ये BOP को देखता है। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, इसको हमने बार बार डिस्कस किया। हाँ, तो फिर इंड्यूसिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, यहाँ हम एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी पर थे, यानी कि पॉवर्टी को कैसे एलिवेट करते हैं। नेक्स्ट आपका था कि इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन बैकवर्ड एरिया, यानी कि बैकवर्ड एरिया जो है, यानी जो बहुत ज्यादा वीक नेशंस है, पुअर नेशन है, उनको उनके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना, उनमें नए नए प्रोजेक्ट को लाना और उनको फाइनेंसिंग देना। नेक्स्ट है हेल्प स्पेशल एरिया ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, धीरे धीरे इसका ऑब्जेक्ट इसमें बढ़ावा हुआ, और उससे क्या हुआ, पहले तो सिर्फ पॉवर्टी की तरफ मेन फोकस था, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप की तरफ भी इसका फोकस हुआ, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड के ग्रोथ के लिए तो पहले ही ये सोच रहे थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने उसको असिस्टेंसी भी, ट्रेनिंग के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इन्होंने स्टार्ट करे, वर्ल्ड बैंक के थ्रू कराए जाने लग गए, उसके लिए भी वो फाइनेंस प्रोवाइड कराने लग गई। नेक्स्ट है लैंड फॉर प्रोडक्ट पर्पज, देयर बाय स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, यानी आगे बढ़ाना, उसके लिए भी वो लैंडिंग प्रोवाइड कराती थी, उनको लोन प्रोवाइड कराती है। तो ये सारी चीजें जो है आपके वर्ल्ड बैंक की ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं। वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव्स को जो हमने डिस्कस कर लिया, अब आता है कि नीड, क्यों जरूरत पड़ी ऐसी ऑब्जेक्टिव बनाने की, ऐसे सोचने की, ऐसी सोच रखने की ही जरूरत क्यों पड़ी वर्ल्ड बैंक को कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे और ट्रेड करे। तो इसकी नीड क्या है, सबसे बड़ी चीज इन्वेस्टिंग इन पीपल पर्टिकुलरली थ्रू बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन। क्या नीड थी, क्योंकि वर्ल्ड वार के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो जो नेशंस थे उनके उसमें हेल्थ एजुकेशन ये बहुत ज्यादा वीक हो गए थे, वहां पर बहुत ज्यादा कमी आ गई थी, और इसमें इसको ग्रोथ करने के लिए, इसकी ग्रोथ करने के लिए उन पीपल के ऊपर इन्वेस्ट करना जरूरी हो गया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक ने सोचा कि हम लैंडिंग के थ्रू इनको सुधार, इनको फाइनेंस करा करके इसको सुधार सकते हैं। दूसरी नीड क्या थी, फोकसिंग ऑन सोशल डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एज अ मेजर एलिमेंट ऑफ पावर पॉवर्टी एलिविएशन। जो क्या था कि दूसरी चीज फोकस उन्होंने क्या किया, सोशल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि डिजास्टर जो एक तरह से आ गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, उसकी वजह से जो बहुत ज्यादा जो इंटरनेशनल ट्रेड की रेट की वजह से भी सोशल सोसाइटीज जितनी भी थी वो सारी खराब हो गई थी, यानी कि उसमें डेवलपमेंट अच्छी तरीके से, वहां पे एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, वहां के इंस्टीट्यूशन सारे खराब हो गए थे, तो उसकी वजह से जो एक तरह से तितर बितर सब चीज हो गई थी, उसको एक तरह से एक साथ एक अच्छी तरीके से नए तरीके से उसको डेवलप करने की नीड थी, जो कि वर्ल्ड बैंक ने जिसके बारे में सोचा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेथनिंग द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डिलीवर क्वालिटी सर्विस, वही चीज आ गई कि क्वालिटी सर्विस विद अ ग्रेटर एफिशिएंसी। ग्रेटर एफिशिएंसी क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी हो इसके, हाँ उसके थ्रू उसके उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, माने यानी इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी एक जरूरत थी, जिसकी जिसको वर्ल्ड बैंक ने जिसके सहारे उसके अपने फाइनेंसिंग के सहारे इसको सुधारा। नेक्स्ट आपका है प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, जो सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से जो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आई थी, जिसके एनवायरमेंटल जो जितना डिजास्टर हो गया था, इकोनॉमिक जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो उसको भी
करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने सोचना शुरू किया और उसके इसी वजह से वर्ल्ड बैंक को फाइनेंसिंग देने की जरूरत पड़ी। मिनिस्ट्री सपोर्टिंग एंड इंकरेजिंग प्राइवेट बिजनेस, यहाँ पर हम इंक्रीजिंग प्राइवेट बिजनेस क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि कैपिटल रिसोर्स जब वो करता है तो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी करता है, जिससे कि अगर प्राइवेट सेक्टर को लॉन्ग टर्म जो अगर प्लानिंग करनी है तो प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ाने की जरूरत होगी ताकि वो अच्छी तरीके से अपना योगदान जो है वो अपने नेशनल डेवलपमेंट में कर सके। तो इस सबको सोचते हुए यानी कि पब्लिक सेक्टर के साथ साथ एज वेल एज वो प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ाने की उसने सोची, इसी इन जरूरतों की वजह से ही वर्ल्ड बैंक ने अपने ऑब्जेक्टिव में ये सारे फाइनेंसिंग का मेन मुद्दा रखा। इसके साथ आपका फंक्शंस यानी कि आपने जो जो वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स थे और नीड थी उसी के आधार पर वो अपना काम करती है, और उसी के आधार पर क्या क्या काम करती है, टू असेस द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि मैंने पहले ही बताया कि इसका मेन मोटो क्या था कि पावर्टी और उसके साथ साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल जो बिल्डअप था उसको इंक्रीज करना। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डअप को इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसने क्या करा, टू असिस्ट द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उनको असिस्टेंसी दी, एंड टू प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग ग्रोथ, यानी कि लॉन्ग एंड बैलेंस्ड ग्रोथ करने के लिए, इंटरनेशनल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और बीओपी को घटाने के लिए, रिड्यूस करें जो बीओपी में डिफिकल्टीज आ रही हैं उनको रिड्यूस करने के लिए उसने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया, एंड टू अरेंज लोन मेड और गारंटी बाय एटीसी। और इसका और क्या काम है कि लोन को अरेंजमेंट करना, लोन का अरेंजमेंट करना और कभी कभी लोन को वो बाय गारंटी भी देने के लिए उसने इस तरीके का ही प्रोविजन वो करती है। एंड आपका है अ प्रोवाइड फाइनेंस टू प्रोजेक्ट फ्रॉम इट्स ओन कैपिटल फंड, वो अपने अभी आप कैपिटल रिसोर्सेज के बारे में मैं आगे स्लाइड्स में बताऊंगी, तो उसमें यही है कि कैपिटल किस तरीके से वो लोन को प्रोवाइड कराती है, कौन कौन सी फॉर्म में प्रोवाइड कराती है। तो एक तो वो गारंटी के थ्रू यानी लोन प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट जो है उसके अब जो मेंबर कंट्रीज हैं उनका जो सब्सक्रिप्शन है उसके थ्रू भी, उन सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी वो कैपिटल को अरेंज कराती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एडवाइस एंड एक्सपर्टाइज, यानी कि मैंने बताया था कि बाद में उनका ऑब्जेक्टिव्स और बढ़ते जा रहे थे और उसमें क्या था, उनको असिस्टेंसी फॉर ट्रेनिंग डेवलपमेंट और इन सब के लिए भी उसने काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर प्रोवाइड एडवाइस एंड एक्सपर्टाइज वो वाला काम भी वर्ल्ड बैंक करती है। टू जनरेट एंड डिसेमिनेट पॉलिसीज रेलिवेंट नॉलेज, जो नॉलेज से रिलेटेड आपकी पॉलिसीज है उनको डिसेमिनेट करना, उनको बताना, ये काम भी वर्ल्ड बैंक का है। ये सारे हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, हमने साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमने क्या पढ़ा कि फंक्शंस क्या हैं, नीड क्या है, और नीड के साथ साथ हमारी हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है डब्ल्यू बी का, यानी कि वर्ल्ड बैंक का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या, किस तरीके से वो काम करती है। तो यहाँ पर जो मेन हेड है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं जिनके साथ में जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड प्रेसिडेंट, लेकिन ये काम कैसे करते हैं देखिए, द वर्ल्ड बैंक कंसिस्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड द प्रेसिडेंट, ये तीन मैंने बताया आपको। ऑल द पावर्स ऑफ द बैंक आर इंटरेस्टेड टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जैसे आप कंपनी में जानते हैं देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो उसकी वजह से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से ही सारा काम करता है, दे आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी। तो उसकी यहाँ पर भी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं वो मेन अथॉरिटी होते हैं जो जिसकी जो पावर को डेलीगेट करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के ऊपर, यानी कि ईच मेंबर, और जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हर जो मेंबर कंट्री है उनमें से इलेक्ट किए जाते हैं, और ये मेंबर कंट्री जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक तो परमानेंट होता है, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नर को भी रखती है, जिसका इनका काम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो टेन्योर होता है वो क्या होता है, 5 ईयर होता है काम, वर्किंग टेन्योर,
और उसके बाद जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं वो आपके वो गवर्नर्स मीट वंस एन ईयर, यानी कि एक दिन एक साल में एक बार मीटिंग रखते हैं. तो बोर्ड ऑफ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है वो आप ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जितनी भी मीटिंग्स को रखते हैं या जो भी पावर्स डेलीगेट करते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को करते हैं. तो इस तरीके से इनका काम होता है. एंड जो मेन प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड इज ऑल्सो अ चेयरमैन ऑफ अ बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है उनका एक तरह से प्रेसिडेंट मेन चेयर पर्सन होता है, चेयरमैन होता है. और ये जो आज की डेट में जो और ये प्रेसिडेंट कौन होता है, जो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम जिसका सब्सक्रिप्शन वर्ल्ड बैंक में होता है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है. और वही जो है इन सबको अपनी अपने वो उसी के पास एक राइट होता है कि वो इस तरह से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को इलेक्ट कर सके. तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो आज की डेट में जो प्रेसिडेंट है वो आपका यूएस है, क्योंकि इसी का ही मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन आपका वर्ल्ड बैंक के पास में है. इसके बाद आता है कैपिटल एंड इट्स रिसोर्सेज ऑफ आपका वर्ल्ड बैंक, यानी कि कैसे कैपिटल को वो जुटाती है वर्ल्ड बैंक और उसको कैसे एलोकेट करती है. तो क्या है रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड बैंक. इनिशियली द वर्ल्ड बैंक हैज एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 बिलियन यूएस डॉलर्स की एक तरह से वर्ल्ड बैंक की वो है आपकी एसेट्स कैपिटल रखी हुई है इसके पास, जिसमें जो है सब्सक्रिप्शन आउट ऑफ दिस द मेंबर्स कंट्री सब्सक्रिप्शन 9400 मिलियन डॉलर है. और यूनाइटेड स्टेट्स जो है यूएस जैसे पहले पहले बताया कि इसका ये एक तरह से ये लार्जेस्ट सब्सक्राइबर है. और इंडिया वॉज इसलिए लगाया कि इंडिया पहले था वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट सब्सक्रिप्शन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक. यानी कि वर्ल्ड बैंक का जब फॉर्मेशन हुआ था तब इंडिया one of the 5 largest subscriber था of this bank. लेकिन अब क्योंकि और countries इसमें जुड़ गए, 189 countries हैं इसमें, तो जिसकी वजह से अब इसमें ये largest नहीं रहा है, लेकिन अभी भी member है इसका. एंड द सब्सक्रिप्शन कोटाज, और ये जो सब्सक्रिप्शन कोटा है जो मेंबर जुटाते हैं इनका कोटा वर्ल्ड बैंक डिसाइड करती है. और कैसे वो डिसाइड करेगी, 2% ऑफ कोटा वॉज पेबल इन गोल्ड और यूएस डॉलर. जो 2% जो लोग देंगे सब्सक्रिप्शन वर्ल्ड बैंक को, जो मेंबर कंट्रीज है वो कैसे देंगे, 2% ऑफ कोटा वॉज पेबल इन गोल्ड एंड और यूएस डॉलर. यूएस डॉलर में दे सकते हैं. एंड 18% ऑफ द कोटा वॉज पेबल इन लोकल करेंसी, जो उनके पास अवेलेबल है, जो उनकी खुद की करेंसी उस नेशन की. एंड वॉज अवेलेबल फॉर लैंडिंग विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स हुज करेंसी वॉज इन वर्ल्ड बैंक. एंड नेक्स्ट है द रिमेनिंग 18% जो है वो आपकी कैसे होगी, ऑफ द सब्सक्रिप्शन वॉज सब्जेक्ट टू कॉल. जब कॉल, जब यानी जब जरूरत पड़ेगी वर्ल्ड बैंक को तब वो मेंबर कंट्री से मांग सकती है. तो क्या हुआ कि 2% वो गोल्ड और सिल्वर में लेती है, गोल्ड और सिल्वर कह रही हूँ, गोल्ड और यूएस डॉलर में लेती है. और 18% वो लोकल करेंसी में मेंबर कंट्री का जो है उसकी लोकल करेंसी में लेती है. एंड रिमेनिंग 18% वो सब्सक्रिप्शन वो कहाँ से लेती है, वो कॉल करने पर, जब उसे जरूरत पड़ती है तब वो उसको मेंबर कंट्री से डिमांड कर सकती है, उन्हें लेती है. नेक्स्ट आता है लैंडिंग ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक. इसका लैंडिंग ऑपरेशन क्या है या किस तरीके से लैंड वो उधार देती है, यानी कि लैंड करती है मेंबर कंट्रीज को. तो इसमें आपका जो मेंबर कंट्रीज हैं उसमें दो तरीके से, फर्स्ट क्या है डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, एक तरह से तो वो डेवलपिंग कंट्रीज को करती है, विच आर एबल टू पे नियर मार्केट इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट के दे करके उससे पैसा उठाते हैं, यानी वर्ल्ड बैंक से पैसा ले सकते हैं इंटरेस्ट रेट पर. लेकिन जो दूसरा है, दूसरा टाइप वो क्या है कि दूसरा टाइप उन कंट्रीज के लिए जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं, जो इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकते हैं उनके लिए है. यानी कि दो तरीके से वो एक क्लासीफाई करती है अपने लोन को, एक तो डेवलपिंग कंट्रीज जो कि एबल है इंटरेस्ट रेट को देने के लिए, और दूसरा वो जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैव नो क्रेडिट वर्दीनेस, वो क्रेडिट वर्दीनेस नहीं रखते, मार्केट इंटरेस्ट रेट पर वो पैसा नहीं चुका सकते हैं.
अब आते हैं, और जो ये है जो मार्केट रेट पर पैसा नहीं चुका सकते, पुअरेस्ट कंट्रीज हैं, उनको कौन देता है, उनको कौन पैसे देता है? आईडीए, यानी कि उसको आईडीए के माध्यम से इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ऐसे दो एसोसिएशन मैंने बताई थी, रिकंस्ट्रक्शन वाली यानी कि आईबीआरडी और आईडीए। तो आईडीए जो है वो पुअरेस्ट कंट्रीज के लिए, और आईबीआरडी जो है वो रिकंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज के लिए दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए लोन प्रोवाइड करती है, यानी कि इस तरीके से ये मैनेज करते हैं अपने लोन प्रोवाइड करने के वर्किंग को। नेक्स्ट है आपका लोन फॉर लोन ऑफर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, फॉर्म ऑफ लोन्स, यानी कि किस तरीके से लोन को प्रोवाइड करना है, किस तरीके से लोन प्रोवाइड करती है। तो द वर्ल्ड बैंक एक्सटेंड लोन मेंबर्स, जो वर्ल्ड बैंक है वो एक्सटेंड करता है लोन मेंबर लोन्स को टू मेंबर कंट्रीज इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, किस तरीके से ग्रांटिंग लोन ऑथोरिटीज लोन ओन फंड। मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था कि तीन तरीके से वो लोन को करती है। एक तो क्या है कि ग्रांटिंग लोन आउट ऑफ हिज ओन फंड, अपने फंड में से या तो करेगी, या करेगी जो पार्टिसिपेटिंग इन लोन आउट ऑफ फंड रेज्ड, यानी कि जो उसने फंड रेज किया है इन द मार्केट बाय पार्टिसिपेटिंग लोन आउट ऑफ फंड रेज इन द मार्केट ऑफ मेंबर्स कंट्रीज, जो कि मेंबर, जो मैंने 18 एंड 2% बताया था, इनसे इनसे जो सब्सक्रिप्शन जो मिला है उससे वो पार्टिसिपेटिंग लोन यानी लोन इन लोन यानी लोन को वो देती है, वर्ल्ड बैंक देती है। और तीसरा क्या करती है कि अगर उसे और गारंटी मिलती है, गारंटी के पीरियड में, गारंटी के टाइम पर वो क्या करती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स से वो पैसे उगा सकती है, उनको भी इस तरह से दो तरीके से, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी एक फायदा होता है, दूसरा जो है उनको गारंटी के पास, मतलब थ्रू गारंटी उन्हें जो है लोन, जो मेंबर कंट्री होती है जिनको लोन की जरूरत है उनको लोन भी मिल जाता। तो इस तरीके से तीन तरीके हैं जिसकी जिससे वो लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसको फॉलो करना, जिसको कंप्लीट करना, मेंबर कंट्री जो लोन लेने वाला कंट्री है उसको पूरा करना जरूरी होता है। और वर्ल्ड बैंक लोन देते समय इन कंडीशंस को देखती है कि कौन सी कंडीशंस वो ये कंडीशंस कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो द वर्ल्ड बैंक लैंड्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कौन से हैं? द वर्ल्ड बैंक एंश्योर्स दैट द बोरोअर्स इज अनेबल टू ऑब्टेन लोन्स अंडर, ये देखती है कि जो बोरोअर है इज अनेबल, ये अनेबल तो नहीं है, इस ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि वो बैंक लोन चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे। तो और विच द बैंक कंसिडर रीजनेबल अंडर अंडर जो बैंक है। आपको एक चीज और बता दूं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो कभी डायरेक्ट नहीं देता, वो किसी ना किसी बैंक के थ्रू, जो मेंबर कंट्री है उनके बैंक के थ्रू वो देता है। ठीक है, फिर आप तो वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे थे कंडीशन ऑफ लोन की, कौन कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है। So the World Bank issues that the borrower is unable to obtain loan under condition which the bank considers reasonable. And दूसरी condition क्या है? Loan are meant to reconstruction or development except in special circumstances. मैंने पहले ही बताया था कि जो World Bank है वो in reconstructions and development के point of view से ही देता है, अगर कोई special circumstances नहीं है तो वो इस चीज को भी consider करता है कि किस तरीके का loan है, किस purpose के लिए loan लिया जा रहा है। दूसरा है the capital bank of the members country guarantees payment of the principal interest on loan and other related charges. जो central bank है वो मैंने आपको बताते बताते रुक गई थी कि वर्ल्ड बैंक जो है वो कभी तभी लोन देता है जब एक बैंक के सारे जो मेंबर कंट्री जो लोन लेना चाह रहा है उस लोन का कोई जो सेंट्रल बैंक है उसके थ्रू वो लोन देता है। तो यहाँ पर वो सेटिस्फाई होती है इस कंडीशन से भी कि वो बैंक सेंट्रल बैंक है कि नहीं है, और वो बैंक जो है गारंटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है उस पेमेंट लोन को रीपे करने के लिए। एंड द कॉम्पिटेंट कमेटी इन वर्ल्ड बैंक इज थॉरली सेटिस्फाइड विद द लोन प्रोजेक्ट, ये भी देखती है कि कॉम्पिटेंट कमेटी जो है वो ये देखती है, वर्ल्ड बैंक की जो कमेटी है वो ये देखती है कि क्या लोन प्रोजेक्ट जो है वाकई बेनिफिशियल है, वो उससे उससे उसे कुछ मतलब देश को कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें वो पूरी लुक आफ्टर करती है, पूरा स्क्रूटनी करती है जो कमेटी होती है वर्ल्ड बैंक की। और द बोरोअर्स इज एबल टू मीट ऑब्लिगेशन एज इम्पोज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, और ये भी देखती है कि जो ऑब्लिगेशंस उसके ऊपर लगाए गए हैं, इम्पोज किए गए हैं, यानी कि इतने इंटरेस्ट रेट पर वो पैसे दे देगी इतने समय के लिए, क्योंकि समय मैंने आपको शायद नहीं बताया यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम टाइम 5 ईयर्स और मैक्सिमम
20 ईयर्स का टाइम होता है, जो अगर स्पेशल कंडीशन कोई नहीं है तो ऐसी कंडीशंस में उसको ये देखना होता है कि क्या वो इन सभी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर रही है टाइम वाइज, इंटरेस्ट रेट वाइज, और जो उसके बेनिफिट्स होने, इन सभी को ही वो कंसिडर करती है मेंबर कमेटी, वो वर्ल्ड बैंक की जो कमेटी होती है, तो उन सबको देख करके ही वो लोन उनको प्रोवाइड करती है मेंबर कंट्रीज को जो लोन के लिए ऑफर करते हैं। नेक्स्ट है आपका फैक्ट्स अबाउट WB यानी वर्ल्ड बैंक। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन बस थोड़ा सा ये देख लेते हैं, करेंटली जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या हैं, जिम योंग किम हैं जो वर्ल्ड बैंक के करेंट प्रेसिडेंट हैं 2019 के अकॉर्डिंग, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 189 इसके हैं और 125 IDA के कंट्रीज मेंबर हैं, और आपके ये चार कंट्रीज हैं जो मैनेज करती हैं, ऑल्सो प्रोवाइड द हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC में है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसको हम नहीं करते हैं। अब आते हैं हम लास्ट स्लाइड आपकी कि डिफरेंस बिटवीन IMF एंड वर्ल्ड बैंक, क्या डिफरेंस है दोनों में, IMF में एंड वर्ल्ड बैंक में। वैसे तो मैं टाइम टू टाइम काफी कुछ बता चुकी हूँ, इस स्लाइड्स को आप देख लीजिएगा। मेन आपका क्या है कि इंटरनेशनल IMF जो है वो एक तरह से ओवरसीज है, यानी कि हम मेंबर कंट्रीज को मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बैलेंस एक्सचेंज स्टेबिलिटी को देखने के लिए करते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए किया जाता है फॉर द पुअरर कंट्रीज। यहाँ पर हमने पहले ही बताया कि जो एक्सचेंज स्टेबिलिटी है एंड ऑर्डरली एक्सचेंज रिलेशंस जो है, यानी कि BOP को कंप्लीट खत्म करने के लिए, ऑर्डरली एक्सचेंज का मतलब क्या है, यहाँ पर BOP जो है एक तरह से उनका जो पेमेंट अगर डिफिकल्टीज आ रही है तो उसको वो सॉल्व करती है। एंड वर्ल्ड बैंक जो है एसेट्स डबलिंग कंट्रीज थ्रू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, जो मैंने कई बार बताया कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस को प्रोवाइड कराती है, और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, एसेट्स आर मेंबर्स बोथ इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग कंट्रीज दैट फाइंड देमसेल्फ्स इन टेम्पररी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज, मैंने कर दिया आपको इसको एक्सप्लेन, प्रोवाइड टू द पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हुज पर कैपिटा। यहाँ पर इनका क्राइटेरिया क्या है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो उन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज को ये लोन प्रोवाइड कराती है, फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, जिनकी कप पर GNP जो है वो आपका लेस देन $865 आ ईयर है, तो उनको प्रोवाइड कराने की करती है। Draws in financial ensures principally from the quota subscription of its members countries. यहाँ पर क्या होता है कि quota decide है कि कौन सी country कितना quota देगी। मैंने कल आपको जब explain करी तो बता रही थी कि हर member countries का quota निर्धारित है कि कौन किसका subscription कितना आएगा किस nature का, और जिस तरीके से largest countries होती है जो एक डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज सबसे ज्यादा कोटा देंगी। इस तरीके से जो डेवलपिंग स्टैंडर्ड है, डेवलप्ड स्टैंडर्ड जो कंट्रीज का है उसके अकॉर्डिंग कोटा डिसाइड होता है, सब्सक्रिप्शन डिसाइड होता है। यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि 18% ये देंगे, 2% सिल्वर में देंगे, $ में देंगे, और 18% नेक्स्ट टू 13, तो 3 स्लैब यहाँ पर दिखाई तो क्या है, एक्वायर मोस्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय बोरोइंग ऑन द इंटरनेशनल बॉन्ड। और दूसरी उन्होंने और कहां से वो प्रोवाइड करती है, प्राइवेट फंड से भी यहाँ पर पैसे उगा सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था कि वो प्राइवेट सेक्टर से कर सकती। वर्ल्ड बैंक में वो प्राइवेट मार्केट से ही नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टर से, बॉन्ड मार्केट से भी वो पैसे ले सकती है, उगा सकती है। बाकी ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा जो होती है, यहाँ पर आपको SDR मैंने कल बताया था कि इसका जो मॉनेटरी फंड का मेन जो इसका काम था वो SDR के थ्रू, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के थ्रू वो एक अकाउंट बना दिया है जिसमें सारे मेंबर कंट्रीज का अकाउंट मेंटेन रहता है कि किसको लोन कब दिया, किसने कितना चुका दिया, और इसी अकाउंट्स में ही ये जो करेंसीज जो है इसी में ही आती है सबकी, और उसी के थ्रू ही सबको प्रोवाइड करा दी जाती है। यहाँ पर क्या है, हैज एन ऑथराइज कैपिटल 180, यहाँ पर इतना बिलियन ऑथराइज कैपिटल इसकी अपने आप ही है, जो आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, तो हो सकता है यहाँ पे फिगर थोड़ी चेंज हो, स्टार्टिंग वाली करंट है, क्योंकि ये मैंने स्लाइड कहीं से ली थी तो इस वजह से इसको थोड़ा सा हो सकता है चेंज हो। ऑफ विच मेंबर पे इन अबाउट 10%, जिसमें कि इस वाले जो इसमें 10% कम से कम मेंबर्स ने इसमें प्रोवाइड कर रखा है, तो यानी कि यहाँ जो है वो मेंबर्स से सिल्वर गोल्ड और प्राइवेट इन्वेस्टर्स से भी हम ले सकते हैं।
फिर हैज ए स्टाफ, यहाँ पर स्टाफ इतने का है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का स्टाफ आज की डेट में 7,000 से भी ज्यादा का है। तो इन दोनों का वर्किंग स्टाइल थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन ये ट्विन सिस्टर बेटन वुड्स की कहलाती है। तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक क्या है, और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि इसके सोर्सेस क्या है, कैपिटल कैसे फंड कर, फाइनेंस कैसे प्रोवाइड कराती है, कैपिटल को कैसे अरेंज करती है, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से पढ़ेगा। मेन जो शॉर्ट में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इसको अच्छी तरीके से याद करिएगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में भी आ जाता है, कभी कभी आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ में भी आता है, जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपका एक्सप्लेन किया था। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा।